किला में पृथ्वी जे मध्य जन्म नौ समस्ते प्रथम किए मध्य समस्त सामान्य ही रोच किए एक्स्ट्रा जन्म होगा एक्सट्रा गुण मिलू मान जन्मजात एक्सट्रा गुण मिले मात्र धरा पृष्ठ को आसा पृथ्वी को आसला निजर कर्म जो निजर कर्म जो कर्म एमती किसी कर कि सहित से समय बहुत सारा जन्म ग्रहण करते मात्र किसी कौन स्पेशल अलरेडी केते लोग थे कम सर आंकड़ बड़ हेल्ल थे एज मात्र निजर कि पुरुषार्थ जो मेहनत जो स्मार्टवर्क जो निजर कि गोल जो लक्ष्य जो से माने जो जनरल क्राउड रु लोक मैंने कि कौन जानते विशिष्ट हो जाए कौन जानते विशिष्ट से समय बहुत लोग जन्म है रईट आपण मैंने तुम जो जन्म तुम ये पृथ्वी के अच्छे मात्र आम किसी कर इनकी किसी अचीवमेंट करके हार्डवर्क करा पड़ो कि से क्राउड रू आम कौन होगा टी अलग निजर किसी विशिष्ट आम कौन दे पार्टी दे तो बर्तमान आपण समस्त समाधान जी उपस्थित अच्छे होती आप समस्त स्टूडेंट जानते ओडियार कलिंग टीवी अच्छे रईट कलिंग टीवी मानने ज्योतिष शास्त्र विषय लेक्चर गुड़िक आने शो बुझे तापरे हमें हिस्ट्री देखा से स्कूलिंग मान स्टूडेंट्स परा विद्या अपर विद्या दु प्रकार विद्या गोटे हूँ आम फॉर्मल एजुकेशन जोड़ा आम ए लोक करा जो आम हिंदू भारतीय कल्चर हिसाब से अच्छी कि परमात्मार प्राप्ति यार अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मोक्ष प्राप्तिर मार्ग में किसी अध्ययन करइट तो आम देखा सार आम स्कूलिंग भुवनेश्वर म्युनिसिपल हाईस्कल कपिल प्रसाद रु ओल्ड टाउन जोड़ा कहते हैं मैट्रिक 1995 पास आउट होते मैट्रिक कहीं एजुकेशन कहीं कौन कहीं साधु बाबा कथा लोक भावुं ना मड़ी खावा बनी गया बाबा कौन ना मड़ी खावा बनी गया बाबा खावा को मिलने बाबा एपर नुह आजिकल जो संत मान अच्छे हाईली एजुकेटेड भारतीय संत मान रोटे खराब छाप लोक मैंने किसी प्रयास करपर नुहति एजुकेटेड बुझिपारे तो ओल्ड टाउन 1995 रे मैट्रिक पास करते प्लस टू एस सी एस कलेज पूर्व कला प्लस थ्री निमापड़ा ऑटोनॉमस कलेज रू कले पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स 2002 रे कंप्लीट कले एल एल बी मान वकिल लॉयर लॉयर कोर्स जी एम लॉ कलेज पूरी कंप्लीट कले तो आप देख पाते मास्टर मास्टर कोर्स धरी मास्टर डिग्री धरी लॉ डिग्री सारे अच्छे बुझे यहाँ परा विद्या मान ए लोकर नलेज ता सहित एक्सट्रा परलोक नलेज देखा जिते स्कूलिंग चलता कलेज चलता से समय से समकालीन समय 1995 सुनते कि मैट्रिक से समय खोर्धार 15 किलोमीटर दूर से मोटा मठ ना गोटे मठ अच्छे मोटा ग्राम से मठ अच्छे सेठी तांगे रही तांकर स्कूलिंग सहित कॉलेज सहित से मठर सेवा मठर सब सब काम ए टू जेड जी काम गुरु तांगे असाइन करते लॉयलिटी एवं रिस्पोंसिबिलिटी सहित से कंप्लीट करते पाठपढ़ा सहित रामचरित मानस भगवद गीता ये सब जी सब स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी ताद प्राप्त करने चालू कर 1995 रु 2010 जाके जो जोटा पूरा एजुकेशन चलीगला रईट मैंने टेन्थ धरिकी एल एल बी से एजुकेशन मध्य सब मोटा मोटे रही सब पाठ सहित परा विद्या अपर विद्या दीटा विद्या ग्रहण करते फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज स्पिरिचुअल एजुकेशन रईट 2010 रे दीक्षा राजस्थान दीक्षा ग्रहण कले बाड़मेर जिले में रईट 2016 स्टूडेंट्स पाखे जी उपस्थित अच्छा महामंडलेश्वर उपाधि मिली महामंडलेश्वर स्टूडेंट्स गोटे बड़ उपाधि साधु मान गए अचीवमेंट बुझिपाल आम संपूर्ण भारत में हजार हजार पाखापाखि कौन थे महामंडलेश्वर थे हजार रु आजुबाजू ऊर्ध हजार हो पारे 1500-2000 मैक्सीम तो ताकि आम समय आज जो उपस्थित अच्छे गोटे महामंडलेश्वर जे गोटे स्पिरिचुअल नलेज नलेज सहित समाज सेवा कर खाली खाली कौन थी भक्ति मार्ग थी सहित ता सहित धर्म कर्म मार्ग में लोक मान सेवा सहित अन्य काम गुड़ी कर सारे दीटा धाम अच्छे परमेश्वर धाम मान जो आम मठ कहे निजे आगे मठ थे परमेश्वर धाम
मोटामोट जोड़े जो रही जोड़े सेवा करुँ सेवा करते से मठ सारे निजे संचालित कर मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट मैंने मालिक कही पारे एक्चुअली देखो ये संसार किए मालिक ना आम समस्त कौन कहे आम कह ना आम कौन अच्छे किसी दिन अच्छे आउ कार बुझे आम सब सब क्या भाड़े वाले गोटे मालिक कौन सबका मालिक एक बाकी हम तो सब भाड़े वाले कपड़ा बदल के चले जाने वाले ये सर न तो सार परमेश्वर धाम मोटा धाम निजस्व दीटा मठ को सार मैनेज कर सारे मानते मठ रहे सारे ये अच्छा सात आठ रु अधिक लोक मठ रही सब सेवा मानते से पूजा पाठ खाइबा भोजन सब चलो गोटे पूरी अच्छी आ गए खोर्धार अच्छे प्लस सार सार गोटे रईटर बही गुड़िक लिखी रामचरित मानस खास रुचि सार रामचरित मानस आ भगवदगीता नहीं 1995 सार रामचरित मानस स्टडी एवं प्रवचन कर आउ देश देशर अलग अलग राज्य एवं ओडिशा राज्य गुजरात राज्य अन्य बहुत सारा संपूर्ण भारत बहुत निज कैपेसिटी हिसाब से भ्रमण कर भारत को बुझाक प्रयत्न कर पाला खास कर मोटिवेशन देकर पे कि आगे बढ़े भारत के बेस्ट हम आम जो आम भूली जाइए कल्चर अच्छे हाँ तो ताकि आगे बढ़ेगा आउ लॉयल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी किपर रखा ताऊपर सार आज देवे आरंग जी एक आम इंट्रोडक्शन है देखे आर इंट्रोडक्शन सर ना प्रोग्राम सर रईट नाम होपर आप बोर्ड देखिपे गोविंद दास महाराज महामंडलेश्वर श्री 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 108 श्री महंत जय गोटे ताली सुनील भाई सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन और सत्यम स्टार्स इंटरनेशनल स्कूल रो प्रांगण रे समस्त सम्मुख रे ब्रिलियंट पिलामानन रो सम्मुख रे आज स्वयं श्री गोविंद दास महाराज जी उपस्थित अछन्ति तो आमको पे आमे समस्त पे एटा बडे सौभाग्य दिन कारण कले चिनी राजेश सर भी कहले कि आमे छा आछिने एठी आमको विभिन्न स्थान रो विभिन्न शिक्षा प्राप्त करिवारो आवश्यकता रहिछ मम्मी मान ठार बाबा मान आम पर संस्कार प्राप्त कले शिक्षक मान आम मान शैक्षणिक शिक्षा आउ जहाँ भी आम द्वारा हो पारा आम से प्राप्त करूँ कितु ता सहित पे आध्यात्मिकता संस्कार किपर निजे रेस्पोन्सिबल जिनस प्रति किपर आम ईमानदार होगा निज प्रति निज समाज प्रति निज पेरेन्ट्स मान प्रति गुरु मान प्रति ए सब जिनसर मध्य आम जीवन में आवश्यकता रही केवल आम क्लास टॉप कर आटा भल कथा कितु ता सहित गोटे गोटे फॉर एग्जांपल कि गोटे जो चौकी अच्छी तार कतटा पिलर अच्छी चारिटा पिलर तो जड़े जदि कह मुझे गोटे गारे भारी स्ट्रंग अच्छे तेब भी तार ये उत्थान हो पार ना तो सब प्रकार शिक्षा सब प्रकार संस्कार आमको प्राप्त करी निज को जो मानव जीवन आम पाई सार्थक करवाक हम तो आज मुझे समय नई सारे कह लिमिटेड फ्रेंड्स को जो मैंने भल पे क्रीम पे आई पिला गुड़क अच्छा जो मैंने आगामी 21 तारीख मानने जो मंडे आदि आगे जानते समस्ते कि सारे कहीं आसते तो मैंने रामचरित मानस चलते मंदिर समस्त जानते तो सही सार मुख्य मानते प्रवक्ता अच्छा बुझे रामचरित मानस पाठ कर तो जो आज आम सुजोग आमको ये मिल पारे आउ तुम मैंने मंडे दिन समस्त सेवा करियर लिस्ट समस्त नाम सारे कथा हो किसी कर कहीं आम भाई भाई सब सामान आज भौणी मैंने आगे जावा चाहते से कांदे कांदे आ भौणी मैंने तो आम सत्यम एक्जामपल सेट करते गुड़िक रईट तो तुमको सेवार अवसर मिल आम प्रयत्न कर मानते क्षेत्र अच्छे जोड़ा भौणी मैंने सेवा दे पारे तो ताकि तुमको इनक्लूड कर सारे आम चर्चा करूँ ओके ठीक अच्छे नाउ ओवर टू सर गोविंद सर समस्त मिसी तले हरि ओम करियो हरि ओम हरि ओम
कथा पे बहुत खुशी लगला मैं ओडिशा रे स्कूल को जाए सब क्लास करिया पर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल तो मैं बड़े स्कूल को जाऊँ क्लास करसिक क्लास कर प्रथम कथा पाठ पढ़ुचे समस्ते पाठ पढ़ुचे आम कहीं पाठ पढ़ा पढ़ा कहीं किए कह चाकरी कर समस्त चाकरी बिजनेस कर किंतु समस्त क्षेत्र गोटे पोजिशन में पहुँचवा दरकार से आम किए चाकरी करूँ करूँ किए बिजनेस करूँ करूँ किए भी कौन कर सफलता भाया जिनस सक्से जदि सफलता पाइने तुम पढ़ा किसी मिले सफलता के पढ़ते सफलता आई आम टेन्थ पास कर सफलता मिल जाए प्लस टू पास कर सफलता मिल जाए थे जाऊँगी अब्दुल कलाम जानते अब्दुल कलाम जी आम प्रेसीडेंट थे इमित जे सैंटिस्ट भी थे बहुत भारत सैंटिस्ट अच्छे क्या तो दिगलानी प्राइम दिगलानी क्या प्रेसीडेंट जन को दिगला कहीं सफलता अच्छे आउ समे पाठ पढ़ुले कि एजुकेशन थी भी सेने चाकरी करते पाखे सफलता ना तो मिललानी प्रेसीडेट से जिते जाते सिविल रमन थे जड़े सैंटिस्ट गोटे कलेज था से जी सिविल रमन निजे मालिक से गोटे गीता बही धरी गोटे मंदिर पाखे बस पढ़ुच ठीक से ही समय अब्दुल कलाम जी बहुत मुसलमान हेले भगवान को विश्वास करते गीता को विश्वास करते प्रत्येक दिन शंकर भगवान को दर्शन न करे से खाते ना स्पेसीफिक मालिक तो जिते से कारूल पड़े मंदिर दर्शन करने देखिले जड़े व्यक्ति साधारण ड्रेस और से बस गीता पढ़ुच्च पचारे सीधे मन जो सैंस कलेज जो रिसर्च कलेज कौटी और आपण किए एमती सामान्य कही आगे अच्छी या कह कि जिते अब्दुल कलाम से जॉन करने पहुँचीगले चाकरी करने देखिले आश्चर्य होगले जो भद्र व्यक्ति जनक गीता बहुत धरी से बाहर पड़े बसी साधारण व्यक्ति भाई आठार जो मुख्य फाउंडर से चेयर बस अर्थात एने फाउंडर ही से गीता बहुटे धरी साधारण लोकों भाई मंदिर प्रांगण में बस मंदिर पाखे बस जमीका से जीवन का मोड होगा जीवन शैली बदलीगला जदि एड़े बड़ फाउंडर है जहाँकि मैंने इंटरनेशनल पृथ्वी में ना अच्छी सिविल रमन कलेज रिसर्च कलेज जो साइंस रिसर्च कर सैंटिस्ट मैंने बदलीगला मोड आई दिन अब्दुल कलाम के भाया चेंज हो गले बर्तमान प्रथम श्री आवा सहित अब्दुल कलाम जेपर्यंत आम भारत इतिहास अच्छी से पर्यंत ना अच्छे कह उदेश हूँ सफलता दरकार जब सफलता नहीं आप पाठ पढ़ा मूल्य किसी ना हाँ आप कहीं चाकरी कर देखते किए लक्ष टा दरमा पाँच किए पांच लक्ष दरमा पाला किए दस लक्ष दरमा पाला दरमा पाइटा सफलता नहीं सफलता से प्राप्ति हे जो आम सर्वशीर्षतम श्रेणी में चढ़ी पार आचरा गला अब्दुल कलाम तुम सफलता पाइबार जो जीवनी अच्छी सफलता पाइबार उपाय सब कहीं तुम एत बड़ प्रेसीडेट हो पार कहीं एपर्तंत कौन सी आज भारत इतिहास कई जन सैंटिस्ट प्रेसीडेट ही ना समस्त राजनीति दल प्रेसीडेट होती कि जन सैंटिस्ट के ना प्रेसीडेट जिते पचरा गला तुम सफलता पाइल कहीं सफलता तुम पाखक आसा से देखते रामचरित मानस गीतार उदाहरण दे जहाँ जीवन में तीनो जिनस अच्छी से सफलता पाइब प्रथम कौन ना पाठ पढ़ले खाली हम पाठ पढ़ले आप देखते जड़े जड़े पिला समस्त बापा माँ स्कूल को छाड़ सत्यम एजुकेशन को आसी चालीस जन पिला बोधे चालीस जन अच्छे चालीस जन अच्छा कैसे जन अच्छे टोटाल पिला संख्या चालीस जन अच्छे तो चालीस जन जो बस चालीस जन की चालीस जन जो अच्छा पिला तो आहरी के पिला अच्छा बछा गला चालीस जन ये चालीस जन जे जड़े समस्ते यही वार्ड रखुच्छे ठीक
କିନ୍ତୁ ଧର ଯେଉଁ ଏ ପିଲାଟି ଏ ୱାନ୍ ରଖୁଛି ତା ବାପା ମା ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ବି ୱାନ୍ ରଖୁଛି ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ୱାନ୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ କେତେ ରିକ୍ସାବାଲା ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାକ କେବଳ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ଚଲେଇ ଚଲେଇ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରିକ୍ସାବାଲା ସେ ଆଜି ତିନି ଚକିଆ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି କାଲି ଚାରି ଚକିଆ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲେ ପରଦିନ ପାଞ୍ଚ ଚକିଆ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସୁରତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜି କୋଟି କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମାଠ ହାତ ଥାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ନା ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପାସ୍ କରିବା ନା ଆଉ ଖାଲି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନା ତେଣୁ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଖାଲି କରିବା ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମରେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରିପାରିବା ନା ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପଢ଼ିବାନି ଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି କର୍ମାନ୍ୟ ବାଧିକାର ଅସ୍ତୁ ମା ଫଳି ସୁପଦାଚନ ତମେ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯଦି ଦୁଇଟାକ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଖାଲି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା ପଢ଼ିବା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ସେ ହେଲା ବାପା ମା ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାହେଲେ ବି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ବାପ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ରସଗୋଲା କେମିତି ଗଲା ଛାଲିକୁ ରସଗୋଲା କେମିତି ଗଲା ମିଠା ଲାଗିବ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ରସଗୋଲା ଇଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ରସଗୋଲା ସେ ପିଲା ଖାଇଲେ ରସଗୋଲା ଏ ପିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇଛି ଇଏ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଠା ଲାଗେ ସେ କହିଲା ହେଲା ରସଗୋଲାଟା ଖାଇଲି ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ରସଗୋଲା ମିଠା ଲାଗେ କହିଦେଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ରସଗୋଲାଟା ଖଟା ଲାଗେ କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗେ ବାସି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲାଟା ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ସେତେବେଳେ ବାସି ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରସଗୋଲା ତେଣୁ ସେଟା ଖଟା ଲାଗିଲା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେସ୍ ରସଗୋଲା ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ପ୍ରକୃତରେ ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ଲାଗେ ରସଗୋଲାଟା ଖଟା ଲାଗେନି କି ରସଗୋଲାଟା ମିଳା ଲାଗେନି ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଖାଇଥିବାର ଦରକାର ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦଶ ଦିନ ଗଲା ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଲା ମନେ ନାହିଁ ରସଗୋଲାଟା ଖଟା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବର କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କଥା ମିଛ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଲଗେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ବି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଁରେ କଥା କହୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନିପଟ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣର ନନା ପୁରୀତି କରନ୍ତି ଯେତିକି ଆମେ ଚଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ମୋ ବାପାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଅଳପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମହାମୂଳେଶ୍ୱର କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଗତଗୁରୁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 2024 ମୁଁ ପାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବାପାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉଦାହରଣ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା କରୁଛୁ କାହିଁକି ସଫଳତା ପାଇବ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ହବ କ'ଣ ନା ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ନାଁଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଲୁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଜାଣିଛ କାହିଁକି ତା ନାଁ ସେ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଛି ତା ନାଁଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲି ପୁଷ୍କର ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅଟା ରେଖା ବୋଲି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ୁଛି ସେ ଚଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଶେଷ କରିଦେବ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବୟସ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଚିଥିଲି 16-17 ବର୍ଷ ଏବେ ଯାହା ବୟସ ହେଇଥିଲେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା କହୁଛି ସେ ଏବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ୁଛି ତା ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ ଅଧାବାଟ ରୋଗୀଣା ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି